गाइस तो फाइनली WWE के मनी इन द बैंक पे पर व्यू का फॉलोआउट मंडे नाइट रॉ ओवर हो चुका है, जहां पर आज WWE के मंडे नाइट रॉ पर हमें रिया रिप्ली उनका टाइटल नतालिया के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दी थी। और गाइस इन दोनों के बीच में 13 मिनट के ब्रूटल मैच के अंदर आज यहां पर रिया रिप्ली के मुंह से ब्लड गिर रहा होता है और गाइस मैच के दौरान वो बस्टेड ओपन भी हो जाती है। बट गाइस इसके बावजूद भी 13 मिनट के बैक एंड फोर्थ ब्रूटल मैच के बाद रिया रिप्ली फाइनली मंडे नाइट रॉ के ऊपर नतालिया को हराकर टाइटल को रिटेन करती गए, जहां पर रिया रिप्ली के टाइटल को रिटेन करने के बाद जब वो बैक स्टेज एरिया पर जा रही होती गई तो गाइस सडनली रिया रिप्ली को WWE की ब्रांड न्यू मनी इन द बैंक के विनर इयो स्काई फेस ऑफ करती गई। और गाइस इन दोनों के बीच में हमें आज मंडे नाइट रॉ पर फेस ऑफ देखने को मिलता है, जहां पर रिया रिप्ली ये कहती गई कि अगर यहां पर इयो स्काई को ये लगता है कि वो रिया रिप्ली पर टाइटल को रिया रिप्ली पर मनी इन द बैंक को कैश इन कर सकती गई तो ये यहां पर इयो स्काई की सबसे बड़ी गलती गई, क्योंकि गाइस अगर इयो स्काई उनके इस कैश इन को रिया रिप्ली पर करेंगी तो गाइस यहां पर इयो स्काई का मनी इन द बैंक बर्बाद होने वाला है। और गाइस कुछ इस तरीके से आज मंडे नाइट रॉ रिप्ली और इयो स्काई के बीच में बैक स्टेज पर कन्फ्रंटेशन देखने को मिला।